अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भाजी तरकारी राशन की गाड़ी पर प्रशासन की तरफ से दिए गए पास पर भाजी तरकारी राशन लाने और ले जाने की आड़ में गुटखा सिगरेट और तंबाकू सप्लाई करने वालों को क्राइम ब्रांच यूनिट 10 ने 53,48,960 रुपए के गुटखा सिगरेट और ओमपुरी तंबाकू के साथ पकड़ा है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है, ऐसे में लोगों तक भाजी तरकारी अनाज और दूसरी चीजें पहुंचती रहे, मिलती रहे, इसके लिए प्रशासन ने भाजी तरकारी अनाज लाने ले जाने के लिए पास जारी किया है। इसी पास का गलत इस्तेमाल करके लोग महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा सिगरेट और तंबाकू सप्लाई कर रहे हैं। जब इस बात की जानकारी अंधेरी क्राइम ब्रांच यूनिट 10 को लगी, यूनिट 10 के सीनियर पीआई सुनील माने ने फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर गोवंडी के शिवाजी नगर परिसर में जाल बिछाया, जहां एक टेम्पो रुकवाया और तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए दो लोगों ने ये कहकर तलाशी से रोक दिया कि गाड़ी में भाजी तरकारी है। शक होने पर जब इस टेम्पो की तलाशी ली गई तो इसमें से 34 बोरियां मिली। जब इन बोरियों को खोला गया तो इनमें से नजर और इक्का नामक गुटखा, गोल्ड फ्लैग सिगरेट और ओम छाप तंबाकू के पैकेट निकले। गाड़ी में बैठे लोगों को ताबे में लेकर और सख्ती से पूछताछ करने पर शिवाजी नगर के गजानन कॉलोनी परिसर में एक गोडाउन में छापा मारा, जहां 14 बोरी में नजर नामक गुटखा मिला। इस पूरे मामले में यूनिट 10 ने 53,48,960 रुपए के गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जब्त किया और तीन लोग जिनका नाम मोहम्मद गौस जहूर अहमद खान 38 साल, एस एन खान 27 साल, दोनों गोवंडी शिवाजी नगर में रहने वाले हैं। शहजाद मोहम्मद हनीफ कच्ची 31 साल, ये मुंबई के नल बाजार में रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार करके इन पर अन्न सुरक्षा कानून 2006 की धारा 26(PP1), 27(PP4), 27(PPP) के साथ धारा 3(1)(ZZ)(A), धारा 59, धारा 26(2)(4), धारा 27(3)(D)(E) के साथ IPC की धारा 328, 420, 269, 179, 188, 273, 120B के साथ COVID-19 अधिनियम की धारा 2, 3, 4 लगाकर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 मई तक पुलिस रिमांड में रखने का आदेश मिला है। इस पूरी कार्रवाई को अंधेरी क्राइम ब्रांच यूनिट 10 के सीनियर पीआई सुनील माने के मार्गदर्शन में पीआई नामदेव सिंधे, एपीआई वाहिद पठान, धनराज चौधरी, अफरोज शेख और उनके टीम ने अंजाम दिया है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।